उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, कानूचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे और छोड़िए उन बातों को, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, पर ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसे आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। जो भी कहता है गलत कहते हैं, लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे, राधा वंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधा वंत है, आधा वंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं ये गलत बात है, आप तो लेकर के आधा वंत गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, हम तो आपके दास हैं, अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ, ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधा वंतौ भटान मर्दे, इसका अर्थ गुरु जी ने बताया हमें, हम गुरु जी ने, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता, हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्ग कहाँ जाएंगे गुरु जी, उद्यता युधई ही गुरु जी, गुरु जी कहते हैं गुरु, अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधु, बधु प्रयोग हुआ है, बधु प्रयोग हुआ है, तो बधु का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है, राधा पदवाच्य बधु, जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और गंगार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहाँ बधु शब्द है वहाँ भी अर्थ राधा है, जहाँ बधु है ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है, जहाँ राधा है, जहाँ बधु है वहाँ राधा है, ऐसे थोड़े होता है। जहाँ आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरु जी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं, सब शब्द ही अर्था नाम अभिव्यक्ति महाराज श्री, इनकी बात सारा विश्व सुनता है महाराज श्री, हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं महाराज जी, सारा विश्व गुरु जी, जो मेरे गुरु जी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ, सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है, अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है, तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है, प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन, सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा। दो मिनट कीर्तन कर ले, एक मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं, भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है
तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्यों गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्र व्यंजकत्वे तद अन्य सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैं आयुधई ही आयुधों से, मैं आयुधों से युक्त होकर, मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूर्णिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता अर्थ का अनर्थ। हाँ नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे व्यंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूँ।